हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक और मिक्सिबिलिटी टेस्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि आपको सामने दिख रहा है एज इट इज़ न्यूट्रिशन का। यहाँ पर मेरे पास ये सप्लीमेंट है और मैं आपको अभी इसी की मिक्सिबिलिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने ये ऑर्डर करा था कुछ दिन पहले, तो ये मेरे पास आया था अभी 2-3 पहले। तो फिलहाल मैं अभी आपको इसके मिक्सिबिलिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मिक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास है, आप देख सकते हैं। इसी ग्लास में मैं आपको करूँगा अभी मिक्सिबिलिटी टेस्ट करके, और स्पून से आपको मैं मिक्स करके दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला काम है हमारा, इसको हम अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद मैं इसको एक उसमें ग्लास में अपने ट्रांसफ़र करूंगा इसमें, और फिर मैं आपको दिखाता हूं अभी किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी इनसाइड का इसके। तो फ्रेंड्स, यहां पे फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने इसमें सप्लीमेंट ऑर्डर करा था, इसमें मुझे चम्मच इसका नहीं मिला था, यानी स्कूप जो होता है इसका मुझे नहीं मिला था। तो मेरे पास यहाँ पे मसल ब्लेस का स्कूप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम लिखा है, तो यहाँ मसल ब्लेस का स्कूप है, मैं इसी से कर रहा हूँ। तो वैसे जो इसका स्कूप आता है वो वाइट कलर में होता है या ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिलहाल मैं अभी आपको इसका मिक्सिबिलिटी करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें एक स्कूप निकालता हूँ। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पूरा हीपिंग स्कूप निकाला है, जो कि 30 ग्राम का होता है एक सर्विंग इसकी। तो 30 ग्राम का मैंने एक स्कूप निकाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, मैं इसको डालता हूँ, यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी वाटर ऐड कर दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं। और ये वाटर ऐड करने के साथ ही एकदम आप देख सकते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करिए, मैंने इसको केवल पानी में डाला था और पानी में डालने के साथ ही ये एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। मुझे इसको मिक्स भी नहीं करना पड़ा है अभी तक, फिर भी मैं एक बार इसको स्पून से मिक्स कर देता हूँ। आप देखिए, अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्पून है और मैं अभी आपको इसका टेस्ट भी बताऊँगा किस तरह से है। वैसे रॉ वे प्रोटीन है, रॉ प्रोटीन का टेस्ट तो एकदम ऐसे टेस्टलेस ही होता है, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये मैं आपके सामने फ़िलहाल मिक्स कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ही नीचे जा कर के सेटल हो गया था नीचे, अभी मैं चम्मच ऐसे मिक्स कर रहा हूँ तो थोड़ा नीचे मुझे फील हो रहा है घुमाते हुए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिलहाल मैं मिक्स कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अराउंड 30 सेकेंड तक हम इसको घुमाएंगे। फ्रेंड्स, जो इसका लुक आ रहा है मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, एकदम क्रीमी लुक आ रहा है, एकदम प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, लम्ब्स वगैरह के कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। अभी थोड़ा बहुत है, मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो खैर मेरे पास अभी शेकर नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत हल्के फुल्के लम्स के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट ये एकदम फ्लुएंसी के साथ, जिस हिसाब से मैं स्पून घुमा रहा हूँ, बहुत ही फ्लुएंट एकदम मिक्स हो रहा है। ऑलमोस्ट फ्रेंड, अभी हमें 30 सेकेंड हो रखे हैं और यहाँ पर हमारा ये जो सप्लीमेंट है ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। मिक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूँ, मैं जब ऑर्डर करा था तो मैंने अभी इसको चेक करा था, पानी मैंने इसको डाला था, बहुत ही अच्छे तरीके डालने के साथ ही ये अपना मिक्स होना स्टार्ट हो गया था, और इसमें जो झाग होते हैं वो भी बनते हैं जब हम इसको शेक करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और जब इसको प्रोटीन शेकर में शेक करेंगे तब तो बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे से मिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको शेकर में मिक्स करेंगे तो ये और अच्छे से आपको इसकी मिक्सिबिलिटी पता चलेगी, इसमें काफ़ी क्रीमीनेस आ जाती है अगर जब आप शेकर से मिक्स करेंगे। फिलहाल अभी भी हो रहा है इसके ऊपर, आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्रीमी क्रीमी सा, इसके मग के कप के भी अराउंड थोड़ा सा जम रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी जो मिक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पतला तरीके बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इसकी टेस्ट की, मैं आपको टेस्ट करके बताया था किस तरह से है। फ्रेंड्स, फिलहाल मुझे मुंह के अंदर, मतलब जो माउथ के अंदर मुझे कोई भी इसमें लम्ब्स पता नहीं चल रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिबिलिटी हुई है। वो भी फिलहाल आप सोचिए, मैंने एक स्पून से करा इसको, अच्छे शेकर से भी अभी मैंने इसको शेक नहीं करा है, उसके बाद भी इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है। काफ़ी क्रीमीनेस है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी क्रीमी बना है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको कप पे दिखा देता हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हुआ है।
इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर फिलहाल इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका एक तरह से वही मान के चले मिल्क पाउडर की तरह है, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। जो भी नए फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको मैं बताया था, इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, आपको मिल्क पाउडर की तरह रहेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा लेकिन फिर आपको हैबिट हो जाएगी इसकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिलहाल आपको इसकी मिक्सिबिलिटी करके दिखाई है और टेस्ट मैंने आपको बताया है, और रिजल्ट्स की मैं आपको अभी कुछ दिन बाद में आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा किस तरह से है। और फिलहाल इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और एब्जॉर्प्शन इसकी एक तरह है जिस हिसाब से आप समझिए प्रोटीन की, जिस हिसाब से होते हैं प्रोटीन उस हिसाब से अवॉइड करते हैं, जिस हिसाब से मान लीजिए सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है तो उस हिसाब से सारे के सारे एब्जॉर्प्शन अपना काम करते हैं। तो ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, मैंने एज इट इज़ का मंगवाया था, तो यानी 80% प्रोटीन है, तो इसके एब्जॉर्प्शन उसी हिसाब से होगी। तो टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, टेस्ट इसका मिल्क पाउडर की तरह, इसमें कोई चीज कोई खास चीज़ एडिड नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।